हाँ 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 सही बात है. ओके सबसे पहला डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स. इन द फर्स्ट लेक्चर यू विल लर्न, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, कि जब भी आपके पास कोई नया क्लाइंट आ रहा है, हाँ, जब भी आपके पास कोई नया क्लाइंट आ रहा है तो आपको सबसे पहली चीज है कि आपसे आपको उनसे डिटेल्स लेनी है ताकि आप तीन जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकें. पहला है स्ट्रेटजी बनाने में, सॉरी पहला है मार्केटिंग का प्रपोजल बनाने में, दूसरा है स्ट्रेटजी बनाने में और तीसरा है वेबसाइट चेंजेस करने में. क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि सामने वाले को क्या करना है, उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उसका टारगेटेड रीजन क्या है, आप कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं, राइट right? तो ये सबसे पहला लेक्चर है आप जिसमें आप लोग ये सीखो कि प्रपोजल क्लाइंट से डिटेल्स कैसे लेनी है, कैसे निकलवानी है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे प्रपोजल चाहिए. दिस थ्री थिंग्स यू विल लर्न इन द फर्स्ट लेक्चर. दूसरे लेक्चर में आप ये सीखोगे कि वेबसाइट का डोमेन नेम और होस्टिंग कैसे चूज करना, क्योंकि जब आप कोई भी वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हो तो सबसे पहले चीज आती है वेबसाइट. तो डोमेन नेम कौन से लॉजिक से लेना है, हाउ टू चूज डोमेन नेम एंड होस्टिंग, राइट. गोडेडी से लेना है तो कैसे लेना है, पूरी प्रोसेस उसकी अप टू बाइंग तक. होस्टिंग लेना है तो लिनक्स का लेना है, विंडोज का लेना है, ये सारी चीज है एकदम सिंपल, लेकिन हमें नहीं पता होती है इसलिए हमें लग रहा है कि ये बहुत बड़ी, वरना ये सिंपल चीज है, इसमें कुछ टेक्निकल, कोई भी चीज टेक्निकल नहीं, राइट. लेकिन एज अ मार्केटर ये चीज अगर आपको पता होगी तो आप खुद का बिजनेस या और किसी का बिजनेस आसानी से एग्जीक्यूट कर. ईमेल आईडी कैसे बनाना है, राइट. जैसे कि आप देखते हो कि भाई कोई भी कंपनी का ईमेल आईडी, जो प्रोफेशनल कंपनीज होती है उसका ईमेल आईडी किस तरीके से होता है, उसका नाम @ कंपनी का नाम, जैसे कि मेरा है तो chirag@shoutandhike.com, वो कैसे बनाना, राइट. वो चीज आप सीखोगे दूसरे लेक्चर. तीसरा लेक्चर है गूगल फिलोसॉफी एंड प्रिंसिपल. सो जो लोग एसईओ में काम करते हैं, एसईओ इज अ सबसेट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल पर टॉप में लाना माने एसईओ, उसको सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहती है पता है, आज आया हुआ रैंकिंग कल चला तो नहीं जाएगा, वो थोड़ा शेयर मार्केट जैसा. शेयर मार्केट जितना भी फ्लक्चुएट नहीं है लेकिन फ्लक्चुएट है, तो इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल तो 100% तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते. तो संजी बीन और लैरी पेज जो इसके को फाउंडर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जब ये कंपनी की शुरुआत की थी तो उन्होंने ये विजन रखा था कि आने वाले सालों में या दशकों में हम ये चीज प्रूव करके रहेंगे जो गूगल पर अभी भी अवेलेबल है. वी फर्स्ट रॉट दिस 10 थिंग्स व्हेन गूगल वाज जस्ट अ फ्यू इयर्स ओल्ड, ये सर्जीबिन और लैरी पेज के वर्ड्स हैं जो गूगल पर ऑफिशियल, ये मेरे खुद के नहीं. तब उन्होंने जो 10 चीजों के बारे में विजन रखा था, वो 10 चीज हम हमारा विजन बना रहे हैं. एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उन्होंने लिखा है कि फास्ट इज बेटर देन स्लो. फास्ट इज बेटर देन स्लो यानी आप गूगल की कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वेदर इट इज क्रोम, वेदर इट इज उनकी गूगल एनालिटिक्स है या कोई भी एप्लीकेशन ले लो,
वो हमेशा लाइट वेट होती है कंपेयर टू एनी अदर एप्लीकेशन। गूगल क्रोम क्यों इतना ज्यादा चलता है कंपेयर टू फायरफॉक्स एंड एज, वो बहुत लाइट है। तो हमें क्या सीखना है इससे, हमारी वेबसाइट की लोडिंग टाइम या हमारी वेबसाइट फास्ट लोड होनी चाहिए, उसका जो इंडस्ट्री बेंचमार्क है 3 से 4 सेकंड में उसमें ओपन हो जाए। तो जितनी भी फिलोसॉफी गूगल ने अपने लिए इनवाइट की है, वो अगर हम जब काम कर रहे हैं तब हमारी वेबसाइट के लिए अगर इनवाइट करते हैं तो रिजल्ट मिलने वाला है अपने आप मिलने वाला है, क्योंकि गूगल जो सोच रहा है वो हम लोगों ने हमारी सोच बना ली। सिंपल क्लियर। तो ये हम लोग सीखेंगे दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में, कि कैसे गूगल की फिलोसॉफी और प्रिंसिपल को हम काम करते वक्त ध्यान में रखेंगे, राइट। उसके बाद है कीवर्ड रिसर्च। सो कीवर्ड रिसर्च इज अ फाउंडेशन ऑफ एसईओ। तो कैसे प्रैक्टिकली, सपोज मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, तो है क्या कीवर्ड रिसर्च बेसिकली। अगर मुझे ये जानना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एवरी मंथ गूगल पर लोग कितनी बार सर्च करते हैं, वो जानना माने कीवर्ड रिसर्च इन वन लाइन। तो सपोज मैं यहां पर आपको एक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करता हूं। सपोज राइट, तो ये गूगल एड्स का इंटरफेस है जो मैं आपको सिखाऊंगा कीवर्ड रिसर्च के लेक्चर में। तो यहां पर एक टूल है कीवर्ड प्लान। अगर मुझे ये जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग की कितनी डिमांड है, सपोज मुझे जानना है, ये एक हमारा क्लाइंट है, उसके लॉगिन से हम लोग देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये एक कीवर्ड है जो मुझे जानना है। तो अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है तो मेरे लिए ये कीवर्ड जानना जरूरी है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस जिसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस आउटसोर्स करनी है वो कौन से वर्ड से सर्च करेगा, आइदर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, उससे कितनी बार सर्च कर रहा है, गेट रिजल्ट इंडिया। तो इंडिया में एवरी मंथ 14,800 पीपल आर सर्चिंग विद डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्पेसिफिक जो कीवर्ड लिखा है, और उसकी डिमांड कौन से मंथ सबसे ज्यादा होती है, जनवरी में। क्यों? क्योंकि वो नया साल होता है ना, अपने दिवाली बजी बजा लिया जाने प्राण के आऊ करी सुना करी सु, राइट एवं राइट। तो जनवरी में लोग दिसंबर से छुट्टी होकर आए होते हैं तो देखते हैं कि भाई चलो नया बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी उसमें लग जाना है, राइट। तो उसकी डिमांड या कुछ नया करना है, कौन से डिवाइस से वो ढूंढते हैं लोग मोबाइल से 44%, डेस्कटॉप से 55%। मानी अगर आपको आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस में लोगों को अच्छी दिखानी है तो वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, टेक्निकल भाषा में उसको रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। जैसे कि अगर ये वेबसाइट है मेरी, आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, तो ये मोबाइल डिवाइस में कैसी दिखेगी अगर ये मुझे जानना है या प्रॉपर दिख रही है नहीं, तो ये एक एड ऑन है जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आईफोन 6 में मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी, ऐसे दिखेगी। राइट, तो सभी डिवाइस में इसका ये दिखाने का पर्पज ये था मेरा कि सभी डिवाइस में आपकी वेबसाइट परफेक्ट दिखनी चाहिए। तीसरी चीज है लोकेशन। तो पूरे इंडिया में इसकी डिमांड कौन से सिटी में सबसे ज्यादा है, तो स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, और सिटी की बात करें न्यू दिल्ली, बेंगलुरु,
मुंबई, हैदराबाद एटसेट्रा। तो ये जो चीज है, सबसे पहले ये जानना कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए लोग कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू ये जानना कि उसकी डिमांड कौन से मंथ में होती है। तीसरा ये जानना कि कौन से डिवाइस से सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। और फोर्थ ये जानना कि कौन सी जियोग्राफिकल रीजन में इसकी डिमांड ज्यादा। ये चारों की चारों चीजें, और ये गूगल का टूल है, ये थर्ड पार्टी टूल नहीं है, तो इसके डेटा पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। ये चारों की चारों चीजें आप सीखोगे कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद है पेज ऑन पेज। सो पेज ऑन पेज क्या है बेसिकली, आपको प्रैक्टिकली दिखाना। जब आपने यहां पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, तो आपको यहां पर जो लिस्टिंग मिला उसमें सबसे पहले जो आपको दिखा, ये दिखा आपको, आप सबसे पहले इसको रीड करोगे, इसको टाइटल कहा जाता है, पेज का टाइटल, जिसको गूगल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है रैंकिंग में, राइट। कैसे पता लगता है, यहां पर जब आप कर्सर लेकर जाओगे वही चीज आपको मिलेगी जो यहां पर मिला। राइट, तो ये आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइज मानी आप जो कीवर्ड से टॉप में आना चाहते हो वो कीवर्ड ये टाइटल में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज। क्योंकि गूगल मशीन है, तो मशीन को कन्विंस करना है कि ये कीवर्ड से मेरी वेबसाइट परफेक्ट है। तो जो मशीन जो जो एरिया कंसीडर करता है वो एरिया अगर आपने कंसीडर कर लिए तो रैंकिंग मिलेगा, अपने आप मिलेगा, क्लियर। जैसे आप स्विच चालू करते हो तो उसको सिग्नल मशीन को चली जाती है कि लाइट ऑन करनी है या ऑफ करनी है, उसी तरीके से अगर आपने टाइटल में कीवर्ड को ऐड कर दिया, राइट, ये अकेला पैरामीटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर है। तो आप ये मत बोला कि टाइटल में ऐड करने के बाद भी रैंकिंग में नहीं आ रहा है, राइट, तो ये सफिशियंट नेसेसरी पैरामीटर है, सफिशियंट नहीं है, राइट। दूसरा है जो आपको ध्यान में, दूसरी चीज जो आपको दिखती है वो क्या दिखती है, ये दिखता है डिस्क्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपको आपके कीवर्ड को रखना है, आपकी यूएसपी को रखना है, यूएसपी मानी यूनिक सेलिंग पॉइंट, राइट। आप कोई बंदा क्यों आपसे सर्विस ले, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि वायर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसी तरीके से ये है। और तीसरा है कॉल टू एक्शन, बाय नाउ, कॉल नाउ, फ्री कोट, जो आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। ये चीज आपको एड में बनाने के वक्त भी ध्यान में रखनी है, और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो ये पूरी चीज मैंने फॉर्मेट बना कर रखा है, जिससे जैसे मैंने बताया ना कि ये आपके लिए एक रोड मैप होगा, या बोल सकते हो कि गीता है आपके लिए। सबसे पहला कीवर्ड, उसके बाद उसका डिमांड, लैंडिंग पेज, कौन से कीवर्ड को कंटेंट में रखना है, उसके बाद टाइटल, तो टाइटल बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है वो यहां पर मिलेगा आपको। इतनी चीजें टाइटल बनाते वक्त ध्यान में रखनी है, यानी आप आज बनाओ या 6 महीने के बाद आपके पास ये मटेरियल रेडी है। क्योंकि ये चीज अगर मैं अभी बोल दूं, लेकिन बनाते वक्त यू डोंट हैव दिस थिंग्स इनटू योर माइंड, राइट। सो इसके लिए मैंने क्या किया है कि सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेड कर दिया, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दोस थिंग्स इनटू माइंड और स्कैटर्ड, आई हैव कीप इट स्ट्रक्चर्ड, राइट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से क्राइटेरिया से बनाना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कीवर्ड सबसे पहले उसकी लेंथ 300 कैरेक्टर की होनी चाहिए, यूएसपी होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। उसके बाद हेडर, तो जब आप लैंड होते हो तो सबसे पहले आप इसको देखते हो नॉर्मली, जैसे न्यूज़पेपर में हम लोग हेडलाइन देखते हैं उसी तरीके से, तो यहां पर भी आपका टारगेटेड कीवर्ड होना चाहिए। ये तीन जगह पर अगर आपने रख दिए तो आप बोल सकते हो कि काफी हद तक आपने गूगल को कन्विंस किया कि आपकी वेबसाइट या आपका ये पर्टिकुलर पेज वो कीवर्ड के लिए सही है।
म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं ना, सही है उस तरीके से, ये सही है, राइट क्लियर। तो ये सारी चीज ध्यान में रखें। उसके बाद ग्रामर और स्पेलिंग सही होना चाहिए, तो उसके लिए भी टूल है हमारे पास ग्रामरली करके, जो फ्री है। उसके बाद अगर आपको आपकी वेबसाइट की कोई ने कॉपी की है कि नहीं है कंटेंट की, तो उसके लिए भी टूल है कॉपी स्केप करके, बहुत सारे टूल, वो सारे टूल्स। तो यहाँ पर पूरा फॉर्मेट है इन नटशेल, राइट, जिसको आप आसानी से जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो लेक्चर आपको यहाँ पर भी मिलेगा SEO में। लेक्चर 7, लेक्चर 8, ओके, लेक्चर 1-2 दूसरे में लग रहा है, लेक्चर 4 ये रहा, पेज ऑन पेज जो अभी मैंने आपको बताया वो, क्लियर, राइट। उसके बाद आप सीखोगे टूल एडवांस सर्च इन गूगल। सो जो चीज नॉर्मल यूजर गूगल पर ढूंढने में 2 घंटे स्पेंड कर देता है, वो डिजिटल मार्केटर 10 मिनट में कर देता है। कैसे? तो गूगल पर जब आप सर्च करते हो ना, तो बहुत सारे एडवांस सर्च के भी ऑप्शंस है गूगल में, जिसे आप आपका काम बहुत आसान करते हैं, बहुत आसान। सपोज मुझे ये जानना है कि वेब डेवलपमेंट में लोग प्रपोजल कैसे भेजते हैं, मुझे जानना है, या किसी का मुझे प्रपोजल देखना है, तो आप नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट में जाते हैं और उसके बाद ढूंढते हैं कि भाई वेबसाइट प्रपोजल लोग कैसे भेजते हैं, कॉम्पिटिटर का देखते हैं। लेकिन और एक तरीका है कि आप गूगल पर जाओगे तो यहाँ पर सेटिंग आता है google.com सेटिंग और एडवांस सर्च। एडवांस सर्च में आपको यहां पर लिख देना है वेब डेवलपमेंट प्रपोजल, राइट, और यहां पर नॉर्मली प्रपोजल कौन से फॉर्मेट में होते हैं, नॉर्मली डॉक में होते हैं, पीडीएफ में होते हैं, जिप में होते हैं, कौन से, पीडीएफ में होते हैं, राइट। नॉर्मली ये एडवांस सर्च खत्म कर दिया, हमारे पास कितने प्रपोजल्स आ गए, 100,000, 10,000, 1,000,000, 10,00,000, 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 10,00
आ गया राइट ये दूसरे का है राइट आपको जो जिसमें अच्छा लगे पहले 10 देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा प्रपोजल कैसे भेजना है। तो ये चीज ऐसी हमारे पास 50 से ज्यादा सर्च टेक्निक है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ऐसी सारी टेक्निक्स है, ये सारी टेक्निक है जो आप सीखोगे इसके बाद के लेक्चर में, कि आपको कोई भी डेटा माइनिंग करना है, इसको टेक्निकल भाषा में डेटा माइनिंग कहा जाता है। तो वो डेटा माइनिंग कैसे फास्ट करना है, जो चीज नया बंदा 3 घंटे में करता है वो कैसे 10 मिनट में कर देगा। अगर ये आप इसकी वेबसाइट पर देखकर इसको ढूंढोगे तो आपको 3-4 घंटे में 3-4 मिलेंगे प्रपोजल, और ये कर दिया तो कितनी सेकंड में कितने मिले, 0.52 सेकंड में कितने मिलेंगे। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे आप डेटा माइनिंग का काम आसान कर, टूल्स एंड इट्स यूजर्स। तो हमारे पास 100+ टूल्स है जिससे आप आपका काम बहुत आसान कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे इसमें थोड़ा चेंज करना है और डिजाइनर को बताना है, तो ये एक ऑसम स्क्रीनशॉट करके एक टूल है जिसे आप ऐसे कैप्चर कर सकते हो सीधा यहां से ही, और यहां पर कैप्चर करने के बाद यहां पर लिख सकते हो चेंज द नेम ऑफ द कोर्स, और एमएस पेंट में ये कर सकते हो, लेकिन एमएस पेंट में एडिट की फैसिलिटी नहीं है, इसमें आप एडिट कर सकते हो। और इसमें यहां पर डबल क्लिक करके अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो भी चेंज, और डन करके कॉपी इमेज करके सीधा कंपोज करके कंट्रोल भी करके किसी को भी दे सकते, यानी जो प्रिंट स्क्रीन से आप 10 मिनट में जो काम कर सकते हो वो हमने प्रोबेबली आधी मिनट में कर दिया 30 सेकंड्स में,
तो ऐसे 100 प्लस टूल्स है जो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले 50 टूल्स नाम रखा था लेकिन अभी उसकी क्वांटिटी काफी बढ़ गई है, राइट। तो ये सारे ऑसम स्क्रीनशॉट जो अभी मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिव जो मैंने वेबसाइट आईफोन 10 में देखी, 6 में देखी थी, गूगल कैलेंडर, साइट मैप, नोटपैड प्लस प्लस, फाइल जिला, हंटर, ये ईमेल आईडी कोई भी वेबसाइट का खींच लेता है। गूगल इनपुट एडोन, तो गूगल इनपुट एडोन से आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, राइट। इफ आई वुड लाइक टू ड्राफ्ट दिस ईमेल, अगर मेरे डेवलपर को इंग्लिश नहीं पता है, राइट, ही नोज ओनली हिंदी और गुजराती, तो इन दैट केस कहाँ पर गया, इसमें गूगल इनपुट होना चाहिए, इसमें नहीं है, लेकिन आपको सिंपली एक ऐड कर देना है, नहीं है इसमें, नहीं ऐड किया, आपको सिंपली यहां से ये क्रोम का एक्सटेंशन है, आ गया, ठीक। तो यहां से सीधा गुजराती लेकर आप सीधा यहां से कहीं भूल तो समझ ही जाएगा, चेंज करवानो, राइट। तो आप कोई भी लैंग्वेज में ऐसे टाइप करके भेज सकते हो, राइट, करेक्ट। तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज है कि आप कोई भी चीज जैसे इंग्लिश लिखते हो उस तरीके से टाइप करके कोई भी डॉक्यूमेंट भी आप इस तरीके से कर सकते हो, राइट। तो ये ऐसे जो 50 से ज्यादा टूल्स है, 100 से ज्यादा सॉरी, गूगल अलर्ट, बहुत सारे टूल्स है, ये आप मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेनिंग के दौरान, राइट। उसके बाद के लेक्चर में आप सीखोगे कि पेज लोडिंग टाइम को कैसे कम करना है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि गूगल की फिलोसॉफी में एक फिलोसॉफी है कि फास्ट इज बेटर देन स्लो, राइट। वो आपको पेज लोडिंग टाइम करके टूल है, राइट। तो मैं नहीं लगो तो चालसे, कारण के आनो वीडियो रेकॉर्ड है, तुमने मड़ी जैसे एंड ऑफ द लेक्चर में, सो वहां से आपको पेज लोडिंग टाइम कैसे कम करना है वो आपको पता लगेगा। उसके बाद है लिंक बिल्डिंग की एक्टिविटीज है जो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, और वेबसाइट कैसे बनानी है वो मैं यहां से सिखाऊंगा। राइट, ये रेडीमेड टेम्पलेट आता है उसमें Wix.com में, तो यहाँ से आप वेबसाइट को कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। बेसिक लेवल की आप अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। व्हाट इज कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब ये वेबसाइट बनाई थी पहले, तो रिक्वेस्ट अ फ्री डेमो लेक्चर यहाँ पर नहीं रखा था, राइट, और यहाँ पर नहीं रखा था, राइट। तो प्लेन थी वेबसाइट कि भाई सभी इंफॉर्मेशन दे दिए लेकिन कोई कॉल टू एक्शन नहीं। तो होता था क्या, यूजर आते थे लेकिन 100 में से 2 या 3 लोग मुझे कॉन्टेक्ट करते थे, यानी मेरा लीड रेट कितना हुआ, 2 से 3%, राइट। लेकिन ये चीज करने के बाद फ्री ऑलवेज वर्ड्स अट्रैक्ट एवरीवन, राइट, यूनिवर्सल है, जियो हो, उबर हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, कुछ भी हो, फ्री वर्ड ऑलवेज अट्रैक्ट। तो
ये करने से 10 में से 6 लोग अभी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी उतने ही विजिटर से मैंने मेरी लीड कितनी बढ़ा दी, 3 टाइम्स बढ़ा दी, 2 से 6 कर ली, माने 6% कर ली, तो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स बढ़ा दी, और मेरा बिजनेस मैंने 2 टाइम्स। तो ऐसी मेरे पास 50 से ज्यादा टेक्निक है, वो अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो समझो बंदा आया तो अट्रैक्ट हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा माने कन्विंस हो जाएगा आपको कांटेक्ट करने के। तो ऐसी यहां पर मैंने एक्सपीरियंस से चीजें बनाई है। कैसे? सबसे पहले हेडर में, ये हेडर पार्ट है, कोई भी वेबसाइट में अगर आप देखो, अरे क्या गलत, यस ये हेडर पार्ट है, ये बैनर पार्ट है, ये कंटेंट पार्ट है पूरा, और नीचे फुटर पार्ट है जो लास्ट में लिखता है वो। तो क्या कौन से पार्ट में क्या होना चाहिए, यहां पर मैंने लिखा है, ये सभी वेबसाइट के लिए, तो सभी वेबसाइट पर सभी चीज नहीं हो सकती, उसमें आपको साबु इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस से आप पता कर सकते हो कि भाई ये चीज पर ये ऐड करूंगा तो यूजर को और गूगल को, मैं दो लोगों को कन्विंस करना है, गूगल को टॉप में लाने के लिए और यूजर को टॉप में आने के बाद जो विजिटर आता है वो हमें लीड दे इसके लिए, राइट। वो दो यहां से आप करेंगे और ये प्रूवन है, राइट। अभी मैं आपको एनालिटिक्स ओपन करके ट्रेनिंग इन एसईओ की लीड दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये है मोबाइल में कैसे ऑप्टिमाइज करना है। सपोज ये वेबसाइट है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं, ये फूटर में मैंने फ्रीज किया है, दिख रहा है आपको, आप कहीं पर भी घूमो, इससे क्या होता है कोई भी जगह पर यूजर का बाइंग इंटेंशन क्रिएट हुआ, बाइंग माने उसको लगा कि ये चलो मैं इसको कांटेक्ट करता हूं, तो उसको ऊपर या नीचे जाने की जरूरत, वहां से ही वो आइदर व्हाट्सएप से या फोन से या फ्री डेमो से। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आप सीखोगे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद लोकल बिजनेस गोपी, राइट, वो इट इज अ पार्ट ऑफ लोकल बिजनेस। गूगल एनालिटिक्स, गुजराती काढ़ू कर सकते हैं। अगर मुझे जानना है कि लास्ट 30 डेज में मुझे कितनी लीड मिली है और कौन से रेट से मिली है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो मैंने अभी आपको बोला ना 6 से 7% है, वो कैसे पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। सिक्स पॉइंट 24, कितनी लीड मिली है मुझे, 106। कौन कौन से माध्यम से मिली है, व्हाट्सएप से 18 लोगों ने कॉन्टेक्ट किया है, हेडर में जो नंबर है मेरा उससे 13 लोगों ने किया है, रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर सबसे ज्यादा 39, 15 लोगों ने मोबाइल पर जो फ्रीज किया था मैंने वहां से कांटेक्ट किया है, और कौन से सोर्स से किया है, सोर्स मानी गूगल से किया है, सबसे ज्यादा किससे यहां से किया है, और ये इनबाउंड लीड है, आउटबाउंड नहीं है, मानी आपको जरूरत है और आपने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने आपको सामने से कांटेक्ट नहीं किया, तो इसका कन्वर्जन रेट हमेशा ज्यादा होगा।
उसके बाद है जीएमबी लिस्टिंग यानी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, जो आपको मैप में दिखाया था ना मैंने, वो है। उसके बाद है ब्लॉग आर्टिकल से मुझे मिले हैं, तो मेजरली आप बोल सकते हो कि गूगल से मुझे मिला है बिजनेस, राइट। कौन से दिन पर मुझे सबसे ज्यादा लीड मिलती है? सॉरी, गूगल एड्स में जाना पड़ेगा। अभी तो मैं एड नहीं चलाता हूँ, लेकिन अगर हम पूरे साल का देखेंगे राइट, जीरो मानी रात के 12 बजे, 1 बजे और आवर ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक सॉरी, जीरो मानी संडे। अगर मुझे ये देखना है कि सबसे ज्यादा लीड मुझे कौन से दिन पे मिली है ट्रेनिंग इन एसईओ में, कौन से दिन पर सबसे ज्यादा मिलती है? यूजर्स है ये तो, कूल कंप्लीशन, कौन से दिन पर सबसे ज्यादा मिली है? संडे, मंडे, वेनसडे एंड ट्यूसडे। तो मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ ट्यूसडे को ऐड दिखानी चाहिए, और कोई दिन में नहीं दिखा होगा तो चलेगा, मेरा बजट भी ऑप्टिमाइज होगा और लीड भी ज्यादा मिलेगी, और ये सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारे हवामान खाते जैसा नहीं है कि उसने बोला कि बारिश आएगी तो नहीं आएगी, और नहीं बोला तो आएगी, ऐसा नहीं है। क्यों? अभी उसकी भी एडवांस हो गई। तो क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि ये डेटा ड्रिवन डिसीजन है, बिलीफ ड्रिवन डिसीजन है, कि मुझे ऐसा लगा कि गणपति का वार है तो अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है, राइट। वो इसलिए है क्योंकि डेटा ये बता रहा है कि ट्यूसडे को सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, राइट। तो ये सारी चीज आप सीखोगे इसमें, बहुत सारे इसमें 40+ रिपोर्ट्स है। अभी कितने लोग हैं मेरी वेबसाइट पर वो अगर मुझे देखना है, 1 लोग है। कहां से है? अहमदाबाद से। अगर मैं नया ओपन करता हूं तो दूसरा विजिटर मिलेगा आपको, कौन से डिवाइस से सब कुछ मिल जाएगा, राइट। दूसरा ओपन हुआ, यहां पर आपको 2 मिलेगा, अभी आ गया दूसरा, सेशन चालू हो गया। हो जाना चाहिए आइडियली, एक रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। आ गया, अभी आ गया। आइडियली यहाँ पर दिखना चाहिए लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर 2 दिखेंगे, दूसरा ये दिखेगा कि वो कौन से लोकेशन से आया है, राइट, इंडिया से आया है। उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा कौन से सिटी से आया है, राइट। यहाँ पर दिखेगा डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट मानी जो मैंने ब्राउजर में ओपन किया वो डायरेक्ट है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट है, क्लियर। तो ये सारी चीज जो है वो आप सीखोगे गूगल एड्स। उसके बाद गूगल एड्स, सो गूगल एड्स अगर आपको पेड प्रमोशन करना है, जो हमने कीवर्ड रिसर्च के लिए ओपन किया, सपोज मुझे रीमार्केटिंग कैंपेन बनाना है, मानी जो लोगों ने ट्रेनिंग इन एसईओ को विजिट किया है उसको बार बार ऐड दिखानी है,
दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि अमेजोन पर जो प्रोडक्ट आप देखते हो वो फिर आपको चेस करती है, राइट? वो कैसे बनाना है? तो यहाँ पर कैंपेन ऑन, उसमें ऑल टाइम राइट रीमार्केटिंग कैंपेन है ये। ये पहले बनाया था, अभी ये चल नहीं रहा है क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, गूगल से मुझे काफी लीड आ रही है। ये रहा, ये अगर मैं चालू करता हूं तो आप सभी लोगों को या जिसने विजिट किए है उसको कल से दिखना, आज से दिखना स्टार्ट हो गया है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन करोगे या कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे जहां पर गूगल एड्स की प्लेसमेंट है, इन्वेंटरी है उसकी, तो वहां पर आपको एड दिखना चाहिए। ये रही मेरी एड, समझ रहे हो आप, राइट? तो ये चीज आप सीखोगे, डेस्कटॉप में ऐसे दिखेगी, क्लियर? ये चीज आप सीखोगे। ये तो एक पार्ट है। ऐसे छह टाइप के कैंपेन आते हैं। कैटलॉग आता है जैसे गूगल मर्चेंट, तो अगर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा एक क्लाइंट है जो ज्वेलरी सेल करता है, सिल्वर ज्वेलरी। शॉपिंग कैंपेन, उसकी एड कैसे दिखेगी? इस तरीके से दिखेगी। अगर आप सर्च करोगे सिल्वर यहां पर मिली आपको, यहां पर शॉपिंग भी है, यहां पर आपको सिल्वरिंग का मिलेगा। आई सिल्वरिंग, ये रही सिल्वर इनकी। क्लिक मत करना किसी भी, अगर आप टेस्ट के लिए देख रहे हो तो, राइट? क्लियर? तो ये कैसे बनाना है, ये कैंपेन, ये आप सीखोगे पेड प्रमोशन में, राइट? बहुत सारे छह टाइप के हैं। ईमेल मार्केटिंग, तो ईमेल के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करना है, जैसे कि मेल चिंप है या सैंड ग्रिड है या बहुत सारे टूल, जो है कई सारे टूल्स है। कौन से सिक्वेंस से करना है, सब्जेक्ट लाइन में क्या रखना है, कौन से टाइम पर भेजना है, वो सारी चीजें आप सीखोगे ईमेल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, सो कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट कैसे बनाना है, राइट? ब्लॉग टॉपिक्स कैसे बनाने हैं, वो सारी चीज सीखोगे आप एफिलिएट मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग, सो मोबाइल डिवाइस में वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए, लोडिंग टाइम कैसे कम करना है मोबाइल डिवाइस में, ये सारी चीज सीखोगे आप मोबाइल मार्केटिंग, राइट? सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहां पर आपको बिजनेस मैनेजर मिलेगा। सिल्वरिंग का है, यहां पर सिल्वरिंग का ही है,
लेकिन और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। सपोज ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है जो स्किन केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट बेचता है, तो कैसे कैंपेन बनाना है, कैटलॉग सेल से ये राइट। तो अभी हमने शुरू नहीं किया, कंप्लीट कर दिया। कैटलॉग सेल्स माने जिस तरीके से जिल्वरिन की प्रोडक्ट दिखी थी ना आपको, मैं दिखा रहा हूँ इसमें। अरे सॉरी कैंसिल, इस तरीके से दिखेगी आपकी प्रोडक्ट। स्क्रॉल कर सकते हो आप, समझे, और शॉप नाउ का जो बटन है वहां से आप सीधा बाय कर सकते हो राइट। लीड कैंपेन बनाना है, जैसे कि मैंने एक बार रन किया था ट्रेनिंग के लिए, कहां पर गया, लीड कैंपेन मानी सामने वाले की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको मिलेगी जब आप एड डिस्प्ले करोगे राइट, जो बहुत चलता है अभी। यहां पर मैं दिखाता हूं आपको ऑल टाइम लाइफ टाइम कितनी लीड मिली है मुझे, वो मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं। यस, ये लीड कैंपेन मैंने चलाया था और मुझे 273 लीड्स मिली थी और एक लीड की प्राइस क्या है, 10 रुपये। यानी आप सिंपल समझो कि 273 में से एक बंदा भी अगर मेरी ट्रेनिंग लेता है, ROI है राइट, ये करेक्ट, उसमें से 3 लोगों ने ली थी लेकिन एक बंदा भी सपोज लेता है तो ROI करेक्ट। तो ये कैसे जनरेट करना है, कैसे बनाना है राइट, ये मैं अभी आपको एक एग्जाम एडिट करके दिखाता हूं। हाँ, आप एक्सेस ग्रांट कर सकते हो, अगर मुझे ये पेज का एक्सेस आपको देना है तो आई कैन गिव इट टू यू ऑन योर प्रोफाइल। आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल होगी ना उस पर मैं आपको एक्सेस दे सकता हूँ। हमेशा मानी एक्सेस ले लूँ तो नहीं होगा, अगर आप कोई भाड़े के घर में रह रहे हो तो हमेशा उसकी चाबी थोड़ी आपके पास रहेगी। हाँ, वो अगर करना है उसको तो वो देगी ही ना, क्यों नहीं देगी। अगर मुझे आपसे सिंपल, इसीलिए तो वो आपकी सर्विस ले रही है। मैं आपको सर्विस क्यों दे रहा हूँ या आप मुझे क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो काम आपको नहीं करना है, आपके पास उतना टाइम नहीं है या एक्सपर्टीज नहीं है। अगर वो एक्सेस ले लेगा तो कैसे बताओगे, दैट इज व्हाट योर पॉइंट ना। अगर ये पहले पूछ लिया होता तो मैं आसानी से वो बता देता, मैं उसका लाइव एग्जांपल दे देता हूँ।
ये कंपनी है जो एक्टिंग और ऑडिटिंग की कोर्स चलाती है, बुक माई फेस। समझ लो कि 6 महीने के बाद ये हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। ये डिटेल्स यहाँ पर होगी और वो ना भी नहीं बोल सकता। कितना हमने ट्रैफिक देकर, लीड देकर, कितना लीड लाए, कितने ट्रैफिक लाए, कितने रैंकिंग इंप्रूवमेंट किए, वो ना बोल सकता है। समझे आप? दिस इज द प्रूफ कि आपने इनके लिए काम किया और ये सफिशियंट है, क्योंकि आप उनको बोल सकते हो ना कि भाई एक्सेस तो मैं आपको कॉन्फिडेंशियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखा सकता। मैंने 50 क्लाइंट के लिए काम किया है, लेकिन मैं 50 रुपये के 50 आपको नहीं दिखा सकता। तो ये एग्जाम्पल ही है ना। अरे आपके पास जब एक्सेस होगा तब आप नहीं ले सकते स्क्रीनशॉट इसका। हाँ, इट इज सफिशियंट, स्क्रीनशॉट इज सफिशियंट टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस। और जब आप एक्सप्लेन करोगे तो वो कॉन्फिडेंस में ज्यादा इजाफा होगा कि भाई ये हवा में नहीं बात कर रहा है, इसके पास ठोस कॉन्सेप्ट है या स्ट्रेटजी है। क्लियर? तो दिस इज सफिशियंट। और उसके नीचे और एक अगर चीज अच्छी करनी है, मेरे पास तो है, मैंने ऐड नहीं किया, इसका टेस्टिमोनियल, उसका टेस्टिमोनियल, उसने जो आपके बारे में बोला है वो, जैसे कि ये फीडबैक, जैसे कि ये क्लाइंट है, उसका नाम है अल्पेश चौधरी, उसका ये ऐसे ढूंढने नहीं देगी मुझे, मैं अभी आपको बताता हूँ। अल्पेश चौधरी करके होगा, सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा मुझे। यश मितुल अनुराग चौधरी, ये रहा, आ गया। इसको मैं वहां पर रख दूं तो ये सील हो जाएगा कि भाई यस यू हैव डिड जॉब फॉर दिस क्लाइंट विथ एक्सीलेंट रिजल्ट। क्लियर? राइट? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये चीज है। क्लियर? और इसमें जो सबसे बड़ी, सोशल मीडिया मार्केटिंग में दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत आसान है, एक ऑडियंस डिफाइन करना और दूसरा एड बनाना। क्योंकि 60% लोग अपना डिसीजन इमेज को देखकर लेते हैं, 60%, और 20%, 30%, 20-30% ऑडियंस पर जाता है, और 10% आपने ऊपर नीचे जो लिखा है उसके ऊपर। राइट? तो वो उसके बाद है वर्क मैनेजमेंट। वर्क मैनेजमेंट मानी जब आपके पास कोई नया क्लाइंट आ रहा है तो उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी। राइट? जैसे कि अभी उन्होंने बोला सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी कैसे बनानी। ये सारे लेक्चर हैं आपके। फेसबुक पेड़ पेड़ हो रहा है। तो ये उसका पूरा फॉर्मेट है। जैसे कि उनका गोल क्या है, राइट? आपका गोल क्या है कि भाई ट्रैफिक लेना है, लीड लेना है, क्या लेना है। उसके बाद जब आप बना रहे हो तो कौन सी चीज यहां पर होगा, ऑडियंस कैसे डिफाइन करनी है, डेमोग्राफिक कैसे लेना है, ऑडियंस कैसे लेनी है, राइट? कस्टम ऑडियंस लेनी है या डिटेल टारगेटिंग करनी है, ये सारी चीज जब आप करोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बजट कैसे डिफाइन करना है, एड्स बनाते वक्त कौन सी चीज ध्यान में रखनी है ताकि आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिले और कॉस्ट पर लीड या कॉस्ट पर व्यू कम पैसे में आए, ये उसके टिप्स है। एड कौन सी सिलेक्ट करनी है,
एड्स का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, समझ रहे हो आप, और कन्वर्जन पिक्सल को कैसे इंसर्ट करना है ट्रैकिंग के लिए। तो ये पूरी चीज 15 साल में मैंने स्ट्रक्चर्ड बनाकर रखी है ताकि आप उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकें। आपको क्या करना है, ये डिटेल इकट्ठी करके क्लाइंट को रिव्यू के लिए भेजनी है, या क्लाइंट को कॉल करके फेस टू फेस या फोन पर डिस्कस करनी है, और उसकी अप्रूवल के बाद उसको लाइव कर देना। क्लियर, राइट? तो ये तो एक फेसबुक की बताई, वरना जनरलाइज स्ट्रेटजी है मेरे पास, राइट, जिसमें आप कोई भी क्लाइंट नया ऑनबोर्ड आता है तो कैसे काम करना है, वो पूरी चीज मैंने यहाँ पर बनाई है। अगर क्लाइंट को रिपोर्ट भेजना है, सॉरी, तो ये उसका फ्रंट पेज है और ये उसका ईमेल है, कि जब आप कोई भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो रिपोर्ट ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, कि आप किस तरीके से उसको अपडेट करते हो। तो इम्पोर्टेंट अपडेट, उसके बाद रैंकिंग इम्प्रूवमेंट, उसके बाद ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट, उसके बाद लीड इम्प्रूवमेंट और नेक्स्ट मंथ की एक्टिविटी। तो ये कैसे भेजना है, तो उसका फॉर्मेट है। जब पहली बार क्लाइंट आ रहा है तो उसको प्रपोजल कैसे भेजना है, तो ये उसका फॉर्मेट है, राइट? तो ये सारी चीज इन नटशेल आपको पूरी पिक्चर आ जाएगी कि भाई कैसे ये काम करना है, राइट? क्लियर, ठीक है। तो That's it for today's, yes, और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो भी हमारे एक ट्रेनिंग का पार्ट है। राइट, तीन फेज में मैंने इसको डिवाइड किया है, अप्लाई करने से पहले, जब आपको किसी भी कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है तब, राइट, बिफोर दे हैव इनवाइटेड यू फॉर द इंटरव्यू, और एट द टाइम, क्लियर। तो ये सारी चीज प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, और ये शॉर्ट शॉट है, इसे आपको मिली जाएगी कि 15 साल से मुझे ये पता लग गया है कि क्या चाहिए कंपनी को, कैंडिडेट में क्या वो लोग देखते हैं, राइट? तो ये चीज है, राइट? तो ये चीज है, वर्क रिपोर्ट देखा दिया मैंने। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, और आप में कई सारी वैल्यू एडिशन हुई होगी, राइट, जो आपको नहीं पता था पहले, ओके। अभी मैं आपको सिर्फ आपका एक ले लेता हूँ कि भाई जो लोग अटेंड किए हैं, जिसने किया है, यस, आपका सिर्फ मुझे ये चीज बताना कि हम लोग, हमारी जो नई बैच है वो ये थर्सडे को स्टार्ट हो रही है, राइट? तो आप में से किसी को अगर अटेंड करना है, राइट, तो आप अटेंड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। राइट, इतने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, राइट, सभी के नहीं आए, लेकिन 10-12 लोगों के आ गए, कितने लोगों ने किया है, राइट? तो अभी 4 या 5 सीट है अभी, राइट? तो आप में से अगर किसी को करना है
तो वो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, राइट। और वो रिफंडेबल है 3 लेक्चर के बाद। अगर आपको कोई भी रीजन से आपको लग रहा है कि भाई आप नहीं, 2 लेक्चर के बाद तो आप, हम आपको वापस डन। पहले मैं आपकी डिटेल्स देता हूँ। यस, आपका नंबर 85300 प्रतीक पटेल। यस, कैंडिडेट्स हु अटेंडेड डेमो 314। ओके, आप मुझे ये बताइए कि आपका गोल क्या है ट्रेनिंग लेने का और आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट है। ओके, मेरी खुद की प्रोडक्ट है उसमें इंप्लीमेंट करना है। वेरी गुड, यानी बिजनेस बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि हम गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कौन सा टाइमिंग, हमारा जो टाइमिंग, हमारी जो बैच स्टार्ट हो रही है वो मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है 9 to 10:30, राइट। एक ही बैच होती है हमारी, 3 महीने में मैं एक बैच करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी बताया, हाँ, मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं होती, राइट, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी काम नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत फायदा होता है इसलिए, और मुझे भी होता है, करता हूँ। टाइमिंग 9 to 10:30 इज कन्वीनियंट। दूसरा आपका नंबर निकल, सेम, आपका गोल क्या है सीखने का। हाँ, आपने बीडी बिजनेस डेवलपमेंट एग्री की थी। ओके, और आपको टाइमिंग 9 to 10:30 इज कन्वीनियंट टू यू। यस, ओके, कई वांधो नहीं, तमे पूछी ने कहेजो। हाँ, कई कई वांधो नहीं, बैच भरे जाए नहीं पहला कही दे। नेक्स्ट बिजनेस, तुम्हारा नंबर अहियाँ जी आप हो 9974758181। गोल तुम्हारा बिजनेस, राइट, अने टाइमिंग 9 to 10:30। ओके, तो भोपाल थी अर्धो कलाक था ना आपको। ओके ओके, तो तुम्हारे फरी बाजू घरे जाऊँ पड़े, तो हमारी तो एक ही बैच है। परिमल गार्डन वस्त्राल, हाँ कही बात, वस्त्राल थी यहाँ थी 5 मिनट था ये, એટલે તાર વસ્ત્રાલ થી 5 મિનિટ થાય, વધારે વધારે ના થાય। ઓકે આ બેચ માં તો ઓકે, તો અમારી નેક્સ્ટ બેચ આવશે એપ્રિલ મે જૂન જુલાઈ માં આવશે, હા વેકેશન। પણ તમે 3 મહિના લેટ થઈ જશે। Yes, 8401088। Yes, तमारो 314। तमारे सीखवानी जगह है, तमारे बीजा कौन है, तमारे करवानी। ओके, सु गोल जे तमारो, चना मन, सु करवानो,
ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્સ્યોરન્સ માટે પ્રમોશન કરવાનું તમે અત્યારે ઓલરેડી કરતા જ હતો, સમજી ગયો. પરફેક્ટ. અને ટાઈમિંગ તમને 12-3 પણ હું નથી આપતો ટ્રેનિંગ, હું સવારે 9-10 નીમડી જાઉં છું. ઓકે 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 ઓકે. તો તમારા કેસમાં હું કાં તો મોર્નિંગમાં આપું છું કાં તો ઇવનિંગમાં આપું છું. 6-7:30 કાં તો મોર્નિંગમાં 9-10:30 દેટ્સ ઇટ. આ બે 9-10:30 મેક્સિમમ. હવે એ જો તમને લોકોને અનુકૂળ ના હોય તો હું વધારે અડધો કલાક વહેલા કરી શકું સવારે, અધરવાઇઝ બીજો કોઈ ટાઈમિંગ હું નહીં કરી શકું. ના 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 ના, ઇવનિંગમાં અત્યારે જે બેચ ચાલે છે ને ઇવનિંગમાં ચાલે, 6-7:30 જે પતી જશે બુધવારે પતી જશે, તમારા લોકોની બેચ ગુરુવારથી સ્ટાર્ટ થશે. એટલે એ બેચ સાંજની આપતો હતો, દિવસમાં મેં કીધું ને કે હું એક જ બેચ ચલાવું છું, એટલે સાંજની પતી જશે. હા સાંજની પતી જશે પછી હું સવારની સ્ટાર્ટ કરીશ, એટલે તમારા લોકોની સવારની. નોર્મલી એવું થાય છે મોર્નિંગ ઇવનિંગ એવું થતું હોય છે નોર્મલ, પણ એ વખતે પછી ખાલી મોર્નિંગમાં ચાલતી હોય, બીજા કોઈ દિવસે ના ચાલતી. યસ તમારું હા નિકો નિકો. યસ 9-8-2-4-5-6-3-5-5-6. બીજા કોઈ નામથી કદાચ તમે કરાવ્યું છે 9. હા એમનો આપી દો ને. હા બોલો ને એમનો નંબર 83-47 બે ઓકે 02-42 આવી ગયું. પરફેક્ટ. કઈ તો એમાં હું લખી નાખું છું. ત્રણ 14 તમારો ગોલ શું છે? જોબ છે ફ્રીલાન્સિંગ, પણ ઇનિશિયલી તમારે જોબ કરવી પડશે કારણ કે તમે એક્ઝેક્ટ ટાઈમિંગ તમને મોર્નિંગનો ફાવશે. યસ તમારે 8-5-1-1-5-9 નથી દોસ્ત. બીજો કોઈ નંબર આનાથી નંબર તને કોલ તમને કોલ આવ્યો હતો મેસેજ આવ્યો હતો? ઓકે એમને રજીસ્ટ્રેશન કરાવી દીધું તો અહીંયાથી કટ કરીને ત્યાં નાખ્યા જેવું છે. ઓકે હા હા હા, તમે પેલા વોડાફોનમાં હતા ને પછી ચેન્જ કર્યો ને? કઈ તમારું છે આમાં હશે, જુઓ ડિવાઇસ બેચમાં છે. કેવો રહ્યો આજનો લેક્ચર? તમારું શું નામ છે? આરે વારે છે આ રહ્યા થઈ ગયું. ઓકે નેક્સ્ટ. યસ તમારો 9-0-8-1-1-4-6 3-14 અને તમારો ગોલ શું છે? બિઝનેસ ગ્રો કરના હે ના? ઓર આપકો કોણ સા ટાઈમિંગ કન્વીનિયન્ટ હે? કોણ સા? ઇવનિંગ. ઇવનિંગ મે તો અમારી બેચ નહીં અભી નહીં હે, સુબહ પોસિબલ નહીં હે. હા હા મતલબ 10 બજે કા આપકો ઓફિસ ટાઈમ છે? સુબહ મેં 6 બજે કા તો નહીં હો સકતા. ઓકે યસ આપકા
7984331116. ओके यही है, इसके ऊपर देख लिया होगा बेटा। सेम बिजनेस ग्रोथ, सही ना? और आपको सेम दोनों साथ में ही जॉब कर रहा है, तो टाइम इवनिंग का ही आपको कन्वीनियंट है, ऐसा है, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके सो हाँ तुम्हारा हाँ बोला 9426 आएगी दोस्त जयेश ना, कैंडिडेट जो अटेंडेड डेमो, तुमने टाइम ना तो मोड़े हुए तो હવે તમારો શું ગોલ છે? બિઝનેસ ગ્રોથ શું કરો છો અત્યારે? શેનો? સરસ, ગુડ. ટાઈમિંગ મોર્નિંગ નો? બિઝનેસ વાળા નથી. ઠીક છે, ઓકે. જેને રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું હોય 1000 INR થી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે, રાઈટ? Thank you.